फ्रेंड्स, तो मशीन लर्निंग हम लोग बहुत समय से पढ़ रहे हैं और मशीन लर्निंग में एक कॉन्सेप्ट आता है सुपरवाइज लर्निंग का। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शंस में पहले पढ़ा है कि सुपरवाइज लर्निंग में वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ अ टीचर, यानी हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा होता है और उस ट्रेनिंग डेटा पे हम तैयार करते हैं अपनी मशीन को, और फिर हम उस मशीन को से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमारे पास ओरिजिनल डेटा होगा, रियल डेटा होगा, तो वहाँ पर भी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा जैसा कि वो ट्रेनिंग या सैंपल डेटा के साथ कर रहा है। लेकिन जनरली इस सैंपल डेटा के साथ करने में और उसको ओरिजिनल करने में कुछ कमियाँ हो सकती हैं, या कभी कभी वो बहुत ज़्यादा तरीके से उसमें एब्जॉर्ब हो सकता है, जिससे दो प्रॉब्लम्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। तो मशीन लर्निंग में, स्पेशली सुपरवाइज लर्निंग में, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग जो है वो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के फॉर्म में जनरेट हुई हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन ब्रीफ इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग है उसको अगर हम बेस्टली अंडरस्टूड करें तो वो एक टारगेट फंक्शन के फॉर्म में लेता है जो मैप करता है इनपुट वेरिएबल को आउटपुट वेरिएबल में। यानी वी आर हैविंग सम इनपुट वेरिएबल एंड वी वांट टू गेट सम आउटपुट वेरिएबल इन अ वेल मैनर्ड वे। टारगेट फंक्शन करता क्या है? इट मैप्स डेटा टू इट्स टारगेट वैल्यू, सच एज इफ यू हैव अ पिक्चर ऑफ अ डिजिट, मान लीजिए 5 नंबर की डिजिट है, तो जो फंक्शन होगा वो रिसीव करेगा उस पिक्चर को एज इनपुट और फिर उस डिजिट को उस वैल्यू के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करेगा। तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? टारगेट फंक्शन के थ्रू। एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन लर्निंग में क्या होता है, तो टारगेट फंक्शन जब लर्न किया जाता है, क्योंकि टारगेट फंक्शन इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू हैव द बेस्ट टारगेट फंक्शन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी तरीके से आपकी मशीन लर्न करेगी। तो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन लर्निंग में क्या है, जब हम टारगेट फंक्शन लर्न करते हैं तो क्या होता है ट्रेनिंग डेटा में, कि कितने अच्छी तरीके से मॉडल जनरलाइज हुआ है और वो डेटा को कितने अच्छे से मॉडल करता है न्यू डेटा के। ओके, तो जनरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा जो भी हम कलेक्ट करते हैं वो केवल एक सैंपल है। जैसा मैंने कहा कि एक ट्रेनिंग डेटा एक सैंपल के ऊपर काम करता है, तो सैंपल डेटा इनकम्प्लीट होगा और नॉइजी होगा, तो उसको जब हम ओरिजिनल डेटा में प्लेस करेंगे तो वहां पर वो उतनी अच्छे से परफॉर्म कर पाता है कि नहीं कर पाता, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो यहाँ पर एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन है क्या, मशीन लर्निंग में जनरलाइजेशन क्या होता है? तो जनरलाइजेशन इस बात को रेफर करता है कि जो भी कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं किसी मशीन लर्निंग मॉडल ने, किसी स्पेसिफिक एग्जांपल को लेकर जिसको उसने नहीं देखा हुआ है, तो उस पर वो उसको कैसे अप्लाई करता है। यानी उसने सैंपल डेटा पे काम करके ओरिजिनल डेटा जिस किसी ऐसे डेटा को के ऊपर जब वो काम करेगा जिस पे उसने पहले काम नहीं किया है, तो उसको वो कितने अच्छी तरीके से मॉडल करता है, दैट इज व्हाट जनरलाइजेशन इज। ओके, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है मशीन लर्निंग में, जब हम बात करते हैं कि कैसे मशीन लर्निंग मॉडल जो होते हैं वो लर्न करते हैं और जनरलाइज करते हैं न्यू डेटा को, जिसको हम ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग कहते हैं। देखिए, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल लेके चलिए कि आपने एक बच्चे को तैयार किया क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो बच्चा को आपने छोटे से पार्क में सिखाया, तो इनसाइड द पार्क उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, तो वो बाउंड्रीज, वो लिमिटेशन जो ओरिजिनल स्टेडियम की बाउंड्रीज की लिमिटेशंस होंगी उससे डिफरेंट होंगी। तो आपने उसको एक छोटे पार्क में सिखाया है, उस छोटे पार्क में आपने उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है कि किस तरीके से बॉल आएगी, तो कहाँ उसे हिट करना है, किस समय उसको रोकना है, किस समय उसको हुक करना है, एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन टू हिम। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो वो बच्चा जो आपने सिखाया है उसको बहुत अच्छे से सीख लेगा, या वो नहीं सीख पाएगा। जब वो नहीं सीख पा रहा, नहीं उस चीज को प्रॉपरली कर पा रहा, तो यू आर सेइंग इट इज अंडरफिट। जब वो उसको प्रॉपरली सीख रहा है तो हो सकता है कि वो उसको जनरलाइज फॉर्म में वहां यूज करे, यानी जब वो स्टेडियम में खेलेगा तो वो उसी तरीके से बॉल को हिट करेगा, उसी तरीके से सिक्सेस लगाएगा, उसी तरीके से चौवे मारेगा, इधर उधर, मतलब वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, देन यू विल से द पर्सन इज इन जनरलाइज फॉर्म। लेकिन अगर वहां पर भी वो स्टेडियम को एक छोटे से प्लेग्राउंड के फॉर्मेशन में लेगा, तो वो बाउंड्री के पार बॉल को नहीं हिट कर सकता, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होगी, ओवरफिटिंग की। उसने जरूरत से ज्यादा अपने आप को उस पार्क की बाउंड्रीज, उस पार्क की लिमिटेशंस के साथ बाउंड कर लिया कि वो ओरिजिनल स्टेडियम में उस चीज के साथ इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को पूरी तरह जनरलाइज नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई ही विल ओवरफिट। एंड सेम थिंग इज हैपन विद मशीन लर्निंग आल्सो।
तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमारी मशीन हो वो बेस्ट जनरलाइज फॉर्म में हो, ना ही बहुत ज्यादा ओवरफिट हो ना ही अंडरफिट हो। तो ये ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग दो बिगेस्ट कॉजेस हैं जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में पुअर परफॉर्मेंसेस को शो करती है। ओवरफिटिंग बेसिकली क्या है, इट रिफर्स टू अ मॉडल दैट मॉडल्स द ट्रेनिंग डेटा टू वेल। जैसे इस डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम में जैसे हमने बात किया कि क्रिकेट स्टेडियम एक छोटा सा पार्क है, तो उस पार्क के अकॉर्डिंग इसने क्या किया कि अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से उस पार्क की बाउंड्रीज उसकी लिमिटेशंस के हिसाब से बाउंड कर लिया। जबकि इसको करना कैसे चाहिए था, इस ब्लैक बाउंड्री के हिसाब से अपने आप को ब्रॉड रखना था, अपने आप को फ्री रखना था। तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है दे रिप्रेजेंट्स एन ओवरफिटेड मॉडल एंड द ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट अ रेगुलराइज्ड मॉडल। जबकि जो ग्रीन लाइन है वो बेस्ट फॉलो करेगी उस इंफॉर्मेशन को, ट्रेनिंग डेटा को, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उस डेटा में जो इस पे हमने उसको ट्रेनिंग दी। तो इसलिए इसका जो फाइनल जब हम अनसीन डेटा पे काम कराएंगे तो ये क्या करेगा, इसका हायर रेट हायर हो जाएगा, वो उस अपने आप को पूरी तरीके से उसमें फिट नहीं कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो न्यू डेटा पे डाउन हो जाएगा। ओके, अंडरफिटिंग ऑन द अदर हैंड व्हाट विल हैपन, तो अंडरफिटिंग रेफर्स टू अ मॉडल दैट कैन नीदर मॉडल द ट्रेनिंग डेटा नॉट जनरलाइज ट्रेनिंग डेटा। तो वो क्या कर पाया, ना ही उसने अपने को ट्रेनिंग डेटा के अकॉर्डिंग मॉडल करा और ना ही वो न्यू डेटा पे जनरलाइज कर पा रहा, यानी दोनों जगह पे उसमें प्रॉब्लम्स जनरेट हुई। तो जो अंडरफिट मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो सुटेबल नहीं है पूरी तरीके से, और ना ही वो नया मॉडल जनरेट कर सकता है, साथ ही साथ में वो ट्रेनिंग डेटा में भी पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यानी कि वो जो फील्ड में हमने उसको सिखाया तो फील्ड में भी वो बहुत अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, ना ही स्टेडियम में वो अच्छे से खेल पा रहा है, तो वो दोनों जगह पे अंडरफिट है। और ओवरफिट, आपके पार्क में वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जब उसको आप स्टेडियम में लेके गए तो उसने पार्क में अपने आप को इतना एडजस्ट किया हुआ है कि वो उसी हिसाब से वहां पर भी खेल रहा है, तो ओवरफिट हो गया। तो इट शुड बी इन जनरलाइज्ड फॉर्म। जब तक जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं होगा, एक जनरल वे में नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, टिल देन बट वी विल सी कि जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो हमारा बेसिक एम क्या है कि हम जनरलाइज करें डेटा को, जनरल फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमें ट्रेनिंग देनी है सैंपल डेटा में कि हमारा रिजल्ट जो है वो जनरल फॉर्म में आए। तो यहाँ पे दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हमारा जो वेरियंस हो और बायस है उन दोनों को हमें साथ ही साथ में ध्यान रखना है कि हमारा वेरियंस कहीं पर हाई या बायस कहीं पर लो ना हो, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहे, जनरलाइज फॉर्म में रहे, तभी हमारा जो लर्निंग हो पाएगी मशीन की वो प्रॉपर हो पाएगी। ओके गाइज, सो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोज एज यू आर वॉचिंग एंड सजेस्ट मी वट काइंड ऑफ वीडियोज आई कैन क्रिएट फॉर यू। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।